माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देशवासियों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी और अपने अटल संकल्प को करो या मरो के नारे के माध्यम से अभिव्यक्त किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारतवासियों में एकता की शक्ति और अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रतिशोध का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष रहते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उन आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हुए जिनके प्रति हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सदैव निष्ठावान रहे। माननीय सदस्यगण, आज से 78 वर्ष पूर्व 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे जिससे लाखों निर्दोष नागरिकों के जीवन की क्षति हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए थे। आज की हिरोशिमा और नागासाकी के लोग परमाणु रेडिएशन के दुष्प्रभावों से पीड़ित है। आइए आज के दिन हम सामूहिक विनाश के हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने और शांति तथा बंधुत्व के प्रसार के लिए मिलकर कार्य करने हेतु पुनः संकल्पित हों। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में और जापान परमाणु बम के पीड़ितों के सम्मान में कुछ मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 281।